तो गाइस अगर आप लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अपने किसी भी डेवलपमेंट बोर्ड को प्रोग्राम करना है तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक या दो ऑप्शन है। एक है सबसे पहला आर्डिनो ड्राइड और दूसरा है शायद ESP8266 लोडर करके है शायद। तो ये दो बोर्ड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर फीचर्स बहुत ही लिमिटेड है। जैसे कि हम लोग बात करें डेस्कटॉप के अंदर, तो डेस्कटॉप में आर्डिनो आईडी के अंदर हम लोगों को एक फीचर्स देखने के लिए मिलता है। प्रेफरेंसेस में हम लोग उसमें क्या करते हैं कि किसी भी बोर्ड का हम लोग लिंक देते हैं उसमें, और बोर्ड मैनेजर के अंदर जाकर हम लोग किसी भी बोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये फीचर्स एंड्रॉयड के किसी भी एप्लीकेशन में नहीं देखने के लिए मिला था। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को ये फीचर्स दिया गया है। आर्डिनो ड्राइड के अंदर क्या होता है गाइस कि हम लोग लिमिटेड बोर्ड को ही प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि ESP8266 हो गया या फिर ESP32 हो गया, या फिर हम लोग कहें आर्डिनो के किसी लिमिटेड बोर्ड को हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर चलते हैं और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ। तो प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है आर्डिनो स्टूडियो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को ऑप्शन दिख भी रहा है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। आप लोग यहाँ पर चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ से स्लाइड करेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसको स्लाइड करके आप लोग चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको डन कर देंगे और यहाँ से गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इस एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एजेंट इज़ रेडी। अब हम लोग यहाँ से अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो बेसिक फीचर्स होता है, यहाँ से न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है। अगर आप लोग अपने फाइल मैनेजर से किसी भी कोड को खोलना चाहते हैं तो उसको खोल सकते हैं। यहाँ से सेव वाला ऑप्शन है, सेव बाइनरी है, आप लोग बाइनरी फाइल को भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कंपाइल का ऑप्शन है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का, मतलब कि इसमें जो हम लोग कोड लिखेंगे हम लोग अपने बोर्ड में जो अपलोड करेंगे यहाँ पर उसका साइन दिख रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये सीरियल मॉनिटर का है। तो यहाँ पर मैंने अभी किसी भी बोर्ड को कनेक्ट नहीं किया है जिस वजह से यहाँ पर एरर दिखा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेटिंग का, जो कि इस एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से हम लोग सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से गाइस आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म हो गया, बोर्ड हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, USB डिवाइस हो गया। तो इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, USB डिवाइस। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से गाइस अभी मैंने किसी भी USB डिवाइस को कनेक्ट नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है। जैसे ही हम लोग इसमें USB डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो उसका डिटेल हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ से फिर से सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ से गाइस आप लोग लाइब्रेरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं बोर्ड का, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैंने किसी भी बोर्ड को इंस्टॉल नहीं किया है जिसकी वजह से ये ब्लैंक आ रहा है। अब हम लोग एक बोर्ड को इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए हम लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ से इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप लोग इसको वेट कर लेंगे यहाँ पर, और आप लोगों को जो भी अवेलेबल बोर्ड है यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बोर्ड जो कि हम लोगों को आर्डिनो ड्राइड के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वो सारे के सारे बोर्ड यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि एरो बोर्ड हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटेल i586 बोर्ड हो गया। इसी तरीके से आप लोग बहुत सारे बोर्ड यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। और गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग जो बोर्ड को है कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर क्लाउड वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से गाइस आप लोग देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ब्लैंक है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है कि प्लस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से गाइस डिफ़ॉल्ट में आप लोगों को दो बोर्ड देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि ESP8266, ESP32। अगर आप लोग चाहें तो इन दोनों बोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलग अलग वर्जन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे बोर्ड मैनेजर के अंदर। लेकिन हम लोग यहाँ से कस्टम वाले के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग PC के अंदर देखते हैं कि हम लोग प्रेफरेंसेस के अंदर जाकर URL को हम लोग कॉपी करते हैं, उसके बाद फिर बोर्ड मैनेजर के अंदर जाकर हम लोग किसी भी बोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर लिंक पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आर्डिनो मिनी कोड का जो लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग इसको ओके कर देंगे और जैसे ही हम लोग इसको ओके करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका लिंक यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे और यहाँ से बैक में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रिफ्रेश देना है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश दिया तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मिनी कोड का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलने लगा है। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। तो जैसे ही हम लोग इसको इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट भी लग सकता है। तो जब तक कि इंस्टॉल नहीं हो जाए आप लोगों को यहाँ पर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं अभी तक ये जो बोर्ड है इंस्टॉलिंग ले रहा है।
तो गाइज यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड जो है मिनी कोर वाला इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ से हम लोग फिर से सेटिंग के अंदर जाएंगे, और सेटिंग के अंदर जाने के बाद अब आप लोग यहाँ से बोर्ड के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आप लोगों ने मिनी कोर वाला जो बोर्ड इंस्टॉल किया था वो सब यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि 8 मेगा 168, 8 मेगा 328, 8 मेगा 48, 8 मेगा 8, 8 मेगा 88। तो गाइज ये इस एप्लीकेशन का बहुत ही ज़्यादा क्लियर फीचर्स हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी मिनी कोर वाला बोर्ड जो है डाउनलोड किया है, इसी तरीके से आप लोग ESP बोर्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग जो भी बोर्ड चाहें इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज यही था इस एप्लीकेशन का ओवरव्यू जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये एप्लीकेशन का सबसे मेन फीचर्स क्या है। और गाइज अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग करना है तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपली सा पेन वाले आइकन पर जाना है, और यहाँ से जाने के बाद न्यू वाले आइकन पर जाना है, और यहाँ से गाइज आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को अभी फोल्डर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप के अंदर करते हैं फोल्डर सेलेक्ट करते हैं कि किस फोल्डर में हम लोग प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ से हम लोग यस करेंगे और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे, और यहाँ से आप लोग किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ दिस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको अलाउ कर दूँगा, और यहाँ से मैं अपने कोड का नाम देकर अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके बारे में हम लोग और आगे की वीडियो में बात करेंगे, इसके और भी फीचर्स जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा काम का है। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस एप्लीकेशन को एक बार ज़रूर डाउनलोड करके देखें। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो और चैनल का कंटेंट पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।